हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। अभी दोपहर के जो है 12:30 बजे हैं और मेरी जो है तबीयत अभी ठीक नहीं चल रही है। पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यूट्यूब पर आई थी, मोबाइल हाथ में उठाया, सोचती थी कि चलो अकेली रहती हूँ, थोड़ा ब्लॉगिंग शॉगिंग करूँगी, वीडियो बनाऊँगी, बिज़ी रहूँगी। लेकिन अभी मेरी ऐसी कंडीशन हो रही है कि मैं वीडियो भी तक नहीं बना पा रही हूँ, ब्लॉग तक नहीं बना पा रही हूँ काफ़ी दिनों से। और मेरे साथ 10 दिन से रेगुलर मतलब मुझे अटैक से आ रहे हैं। अब मुझे नहीं पता है कि मुझे क्या बीमारी हुई है, लेकिन मैं सिम्टम्स बता सकती हूँ आप लोगों से कि मेरे सर में जो है ना इस साइड दर्द होता है और एकदम टीस सी चिलक सी उठती है, और कान में भी यहाँ दर्द होता है, यहाँ ये पूरा दांतों में दर्द होता है, फिर यहाँ यहाँ ये गर्दन, ये यहाँ यहाँ सब दुखता है। फिर क्या है, कभी कभी सर एकदम से ज़्यादा दर्द बढ़ जाता है, सर भारी हो जाता है पूरा। ये गर्दन ऐसा लगता है बहुत सारा वज़न रख दिया हो किसी ने, पूरा हिलने लगती हूँ मैं। तो इससे क्या होता है, जब मुझे ऐसा होता है तो मेरे अंदर डर बढ़ जाता है, मैं घबरा जाती हूँ बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा घबरा जाती हूँ, टेंशन होने लगती है कि कई बार मैं अपने आप को अंधेरे में मतलब किचन में बंद कर लेती हूँ खुद को, और बस रोना आता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ। मेरे अभी मतलब 1.5 साल में मेरे 2 ऑपरेशन हो चुके, जब से मतलब बड़ी हुई तब से मेरे साथ कुछ ना कुछ, कभी हार्ट की प्रॉब्लम, कभी घबराहट, कभी कुछ कभी कुछ, मतलब मैं ठीक ही नहीं रहती हूँ। मेरे क्या, मैंने इस जन्म, मैंने क्या इतने बुरे, किस जन्म के कर्मों की सज़ा मिल रही है मुझे? मैंने ऐसे भी कौन से कर्म किए हैं, पिछले जन्म में किए, इस जन्म में क्या किया है? कुछ ना कुछ मतलब मैं कभी स्वस्थ ही नहीं रह पा रही हूँ। कुछ भी अच्छा सोचती हूँ आगे के लिए, अच्छा सोचती हूँ, कुछ प्लानिंग करती हूँ कि ये करूँगी, अब सब कुछ ठीक रहेगा, तो सडन एकदम से मतलब बिजली से गिरने लगती है, गिर ही जाती है समझ लो। इंसान जब स्वस्थ होता है ना तो वो कुछ भी करने की मतलब मानसिक रूप से शारीरिक रूप से स्वस्थ होता है तो वो कुछ भी करता है उसे अच्छा लगता है, मेहनत करता है उसे अच्छा लगता है। पर जब हम स्वस्थ ही नहीं होते हैं तो ना हम मेहनत कर सकते हैं, ना हम खाना भी ठीक से नहीं खा पाते उस समय। अभी मेरी ये करने की, मैं खाना कैसे बनाती हूँ, घर के काम कैसे करती हूँ मुझे ही पता है, हिलते डुलते सर का दर्द लेके, दर्द की दवा खा के ऐसे करती रहती हूँ। तो अभी मुझे दिक्कत ज़्यादा होने लगी है, तो मैंने अभी तक सोचा यार ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन अब मुझे डॉक्टर के पास दिखाना ही पड़ेगा। आज मैंने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली थी, तो आज वो डॉक्टर, संडे है तो सर 2 बजे तक ही बैठते हैं, तो अपॉइंटमेंट नहीं मिली। और कल की अपॉइंटमेंट मिली है सुबह की 11 बजे, 11:30 बजे की। तो कल मुझे हॉस्पिटल जाना है डॉक्टर के पास, एक बार दिखा दो तो कम से कम दर्द वगैरह जो भी है दवा मिल जाएगी, थोड़ा आराम मिलेगा, क्योंकि बिना दवा के अब आराम नहीं मिलेगा। टेंशन से सब चीज़ें होती हैं, टेंशन तो मेरे पास बहुत है, कमजोरी से भी होता है ठीक है, लेकिन रोज़ रोज़ ऐसा होगा तो फिर खाना तो खा ही रहे हैं ना, अब जितना खिला रहा है जो भी है खा ही रहे हैं, लेकिन तो ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है? और कान में भी दर्द होता है, यहाँ पूरा ये एकदम कान में भी दर्द होता है, ये यहाँ 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 भी दर्द होता है, चिलक सी मस्ती हो, सर में यहाँ यहाँ ये पूरा चिलक सी मस्ती है, सर भारी हो जाएगा, तो डर जाती हूँ मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे साथ 2 बार ऐसा हुआ, दर्द होता था फिर डायग्नोस कराया तो बीमारियाँ निकल आई, तो इतना ज़्यादा भी डर बैठ गया ना मेरे अंदर कि अब भगवान कुछ ऐसी नौबत मत देना प्लीज़। मैंने इतना भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, मैंने किसी का क्या ही बिगाड़ा है जो मेरे साथ, मेरी इतनी परीक्षा ली जा रही है, मतलब एक के बाद वो कहते ना मतलब परेशानियाँ ही नहीं जा रही, ऐसा भी होता है क्या? भगवान भी किसी की इतना पी, भगवान तो कभी किसी को नहीं सताते हैं, है ना? तो क्यों हो रहा है ऐसा, मुझे कुछ भी समझ भी नहीं आ रहा है। कभी कभी अंदर से इतनी चिड़चिड़ाहट होती है, ऐसा लगता है कि सब कुछ फेंक दूँ, मतलब खुद को एकदम क्या कर लूँ, नुकसान पहुँचा लूँ, खुदकुशी कर लूँ, मन में बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब दिमाग जो है ना ऐसा होने लगता है, तो मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। और अभी तो मतलब मेरी वजह से मेरे बच्चे भी बुरा असर पड़ रहा है, पति हैं उन पे भी, वो भी मतलब देखेंगे ऐसे, और इतनी ज़्यादा कमाई नहीं है, सैलरी नहीं है, अभी वो ऑपरेशन हुआ था तो लोन लिया था, उसके भी पैसे कट रहे हैं, तो वो ऐसे देखते हैं तो वो तो इग्नोर कर देते हैं कि मतलब क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं एक आदमी, क्या क्या करेगा, मतलब आप लोग खुद ही समझ सकते हैं।
मैं किसी को दुखी या परेशान नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन ये सब हो रहा है तो उसको मैं रोक भी नहीं पा रही हूँ। मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मैं मतलब ऐसी हूँ। मैं दर्द की गोली खा के आदमी को थोड़ा आराम पड़ जाता है, पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा अभी। तो आप लोग प्लीज़ मतलब मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ। क्योंकि मेरा मायका भी बहुत दूर है और मैं अपनी मेरी माँ बुज़ुर्ग हैं, मैं उनको क्या ही बताऊँ। टेंशन बढ़ जाती है ना सबको, मैं किसी को बताना नहीं चाहती मैं ठीक रहूँ। सब टेंशन लेते हैं ना फैमिली में, फिर किसी को कुछ पता चलता है। सबसे ज़्यादा यह है कि मतलब मेरा बच्चा भी छोटा है अभी, उसको मेरी ज़रूरत है। मेरे मेरे जो है पति हैं उनको ज़्यादा समझदारी नहीं है, उनका ज़्यादा दिमाग वो मतलब उतना ज़्यादा वो समझदार इंसान मैच्योर इंसान नहीं है, नहीं समझ पाती चीज़ों को, नहीं संभाल सकते। इसलिए मैं ठीक रहना चाहती हूँ। कल जाऊँगी डॉक्टर को दिखाने, देखते हैं क्या होता है। आई होप कि ठीक ही हो जाएगा। होता है कभी कभी कमजोरी या मानसिक तनाव से भी हो जाता है। कुछ ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी हुई है ना, मतलब कुछ हादसे जो कहते हैं ना, वो इंसान नहीं भूल पाता है, वही दिमाग में चलता रहता है, अपने आप आ जाता है। सोचते रहते हैं हो सकता है उसकी वजह से जो है मैंने कुछ ज़्यादा ही सोच लिया, तो ज़्यादा जोर पड़ेगा तो प्रॉब्लम तो बढ़ेगी ना। और मैंने सोचा था यहाँ जाऊँगी वहाँ जाऊँगी, थोड़ा माइंड चेंज करूँगी, अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊँगी। बहुत कुछ अभी लिख के रखा था मैंने कि ऐसे वीडियो बनाऊँगी वैसे, लेकिन क्या करूँ, जब भी कुछ अच्छा सोचती हूँ तो एकदम से मैं रुक सी जाती हूँ। मुझे जैसे मतलब कोई आके मुझे ठोकर मार देता है, मैं कुछ सोच ही नहीं सकती। अच्छा तो करने की तो छोड़ो, ये हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हनुमान जी से प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ, और आप लोग भी मुझे मतलब मेरे लिए दुआ कीजिएगा। हो सकता है मेरी दुआ ना सुने ना लगे, आप लोगों की लग जाए, आप लोगों की दुआ कबूल हो जाए। तो गाइस मैंने सोचा चलो आप लोगों से थोड़ा सा शेयर करूँगी, थोड़ा सा मन हल्का होगा, अच्छा लगेगा। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो मुझे अपने अपने राय दीजिएगा कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, योगा वगैरह भी करना चाहिए। अभी मेरा सब कुछ गड़बड़ चल रहा है, रात रात में नींद नहीं आती है, पूरी पूरी रात हो जाती है नींद नहीं आती है, सुबह नींद लग जाती है तो देर से उठना होता है, फिर नींद लग जाती है, फिर लगता है सो जाओ, उठने की हिम्मत नहीं होती है। तो नींद सुबह देर से उठती है तो खाना पीना फिर लेट होता है, तो काफ़ी कुछ अभी गड़बड़ चल रहा है, मतलब वही है ना। तो एक बार डॉक्टर को दिखाई देती हूँ, दवाइयाँ मिलेंगी तो थोड़ा सा आराम मतलब ठीक हो जाऊँगी, आराम पड़ेगा, वही है ना। तो चलिए दोस्तों कल मैं आप लोगों को बताऊँगी डॉक्टर को दिखाने गई क्या दवाई दी डॉक्टर ने, क्या बोला, जैसा भी रहेगा आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। चलिए मेरी तरफ से, अनु की तरफ से, आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम।